जी, शेफ हरपाल सिंह आपका होस्ट दोस्त आ गया जी लेके आपका फेवरेट प्रोग्राम टर्बन तड़का। मुझे आपकी दिक्कतों के बारे में पता है जी, इसलिए मैं ना सॉल्यूशंस लाता हूँ। घर पे कई बार पार्टियाँ होती है ना, और हम बहाने ढूंढते घर पे मेहमानों को बुलाने का। अब बुलाने के बाद ये लगता है कि बनाए हैं क्या जिससे इम्प्रेस हो जाए। अब बनाने में ये भी दिक्कत होती कि अच्छा सिंपल चीज़ें बनाएंगे तो क्या करें। कई बार ऐसा ज़रूरी होता है कि सिंपल चीज़ें बनाएं, लेकिन कॉम्प्लिकेट करने के लिए एक आध फ्लेवर ऐसा ले लो जो पता ही ना चले उनको। जैसे अब मैं बना रहा हूँ बीट रूट एंड एप्पल सैलड। अच्छा, बहुत प्रकार का बनता है, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं वॉशिंगटन एप्पल्स यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए हमने काट के रखे हैं, और वॉशिंगटन एप्पल्स ये रेड वाले हमने यूज़ किए हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। वॉशिंगटन एप्पल्स में डायबिटीज़ मैनेजमेंट, अल्जाइमर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती है, और स्वादिष्ट तो होता ही है। खिड़की से दूसरे लोगों को देख लो गाड़ी में एप्पल खाते हुए, तो लगता है यार हमें क्यों नहीं एप्पल खाने की आदत पड़ी। भाई वॉशिंगटन एप्पल्स मिलते हैं, खाइए। तो ये एप्पल जो है यहाँ रख लेते हैं, बोल ले लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ कमाल करेंगे। ये देखिए एप्पल, ये निकाल लिया, साथ साथ बीटरूट। ओहो क्या बात है। एंड नाउ फॉर दैट मैजिक इंग्रेडिएंट, कासुंदी मस्टर्ड। ओहो हो भाई, बीटरूट, कासुंदी मस्टर्ड एंड एप्पल, क्या कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों का। ब्लैक पेपर, थोड़ा सा करारा तो हमें चाहिए जी। हनी, ओह क्या बात है। लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच। क्या बात है। ओ जी, थोड़ी देर रखेंगे इस मैरिनेट में ताकि एकदम बढ़िया चटपटा बन जाए। ये लीजिए, ये यहाँ रख लेता हूँ। अब जी हमने मैरिनेट तो कर लिया। परोसने का अंदाज वो हमेशा देसी रहता जी, लेकिन इतना यूनिक है पूछिए मत। पापड़ ले लिया हमने। अब आप सोच रहे हैं कि शेफ हरपाल क्या कर रहे हैं यार, सैलेड में पापड़? बताएंगे आपको। देखिए खाली कमाल, देखिए सिर्फ थोड़ा सा पापड़ रोस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेबे वाला अंदाज है जी, बेबे हमारी ऐसे ही करते थे। और अब देखिए खाली मैं क्या करने वाला हूँ। देखें जादू की पुड़िया, क्या बात है। बस ऐसे ही देखिए, ये घर पे बने हुए शेल्स। आप ढूंढेंगे कि अरे मुझे सर्व करने के लिए आइडियाज दो, प्लीज दो, बर्तन लाओ। भाई हम हैं देसी, और देसी बंदे बड़े कमाल के काम करते हैं। ये लीजिए, ये देखिए गर्मा गर्म अगर नहीं करेंगे तो टूट जाएगा पापड़, इसलिए गर्मा गर्म करना पड़ेगा आपको। प्लेट ले लेते हैं, बास्केट सजा लेते हैं। ये लीजिए, अब एक काम करेंगे, ये हरे हरे पत्तियां कोई भी मिले आपको, सैलेड पत्ते। आई लाइक दिस, मुझे ये बहुत पसंद है। रेडिश फ्लेवर, शार्प फ्लेवर होता है इनका। वाह जी वाह, बढ़िया। आरुगोला के पत्ते का जो फ्लेवर होता ना, बिल्कुल रेडिश का फ्लेवर होता, मजेदार। ये ले लेते हैं एप्पल एंड बीटरूट। ओह मैन, दिस इज टू गुड, बहुत बढ़िया। बताइए, हमने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बनाई है। ये देखिए, ओहो, ये जो ड्रेसिंग बनाया था ये थोड़ा थोड़ा पोर कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ, ये प्लेट में यहाँ से। ओहो हो, मॉडर्न आर्ट, आई लाइक दिस। बहुत सिंपल चीज़, आपकी पार्टी की शान और आपका नाम। देयर यू गो भाई, कीप वॉचिंग टर्बन तड़का। नाम यहाँ पहुँचाना है बिल्कुल। बीटरूट एंड एप्पल सैलेड बनाने के लिए एक बोल में एप्पल्स, चुकंदर, कासुंदी, मस्टर्ड पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च, शहद, नींबू का रस और ऑलिव ऑयल अच्छे से मिला ले। फिर हर पापड़ को आंच पर रखकर सेक ले और तुरंत एक कांच के बोल में रखकर दबाए ताकि वो उसका आकार ले ले। ये है पापड़ शेल्स। अब पापड़ शेल्स को एक प्लेटर पर रखें, उनमें डालें थोड़े तोड़े हुए आरुगोला के पत्ते और ऊपर से डालें चुकंदर एप्पल का मिश्रण। फिर ऊपर से डालें थोड़ा सा चुकंदर एप्पल के मिश्रण का जूस और तुरंत परोसे।